यूपी में योगी सरकार ने बदला पावर सेंटर, संजय प्रसाद को सुपर पावर से नवाजा, अवनीश अवस्थी की जगह संजय प्रसाद को मिली। यूपी की सरकार में यूं तो सबसे पावरफुल खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके साथ रहने और उनके कामकाज को देखने वाले को यूपी शासन का सबसे पावरफुल माना जाता है। पुरानी सरकारों में यूपी में सबसे ज्यादा पावरफुल डीजीपी पद को माना जाता था, लेकिन योगी सरकार में ये परंपरा बदल गई है। अब सबसे ज्यादा पावरफुल योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस के एजेंडे के हिसाब से गृह और सूचना सबसे अहम पद है। जिसके पास इस पद की जिम्मेदारी होती है उसका कद सबसे बड़ा होता है, जो अब तक अवनीश अवस्थी के पास था, लेकिन 31 अगस्त को केंद्र से एक्सटेंशन ना मिलने की वजह से इस पद पर अब संजय प्रसाद नजर आएंगे, जिन्हें योगी का सबसे करीबी माना जाता है, जिन पर योगी न सिर्फ भरोसा करते हैं बल्कि सबसे ज्यादा पावरफुल पोस्ट देकर संजय प्रसाद को सुपर पावर बना दिया। दरअसल 1 सितंबर को सुबह यूपी ब्यूरोक्रेसी में अचानक से बड़ा बदलाव हुआ। यूपी के टीम 9 में कई अहम नौकरशाह को अचानक ही बदल दिया गया, लेकिन इस बदलाव में एक अहम चीज जो दिखाई दी वो ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद सबसे ताकतवर होकर उभरे, क्योंकि अपर मुख्य सचिव के साथ वो सूचना और गृह विभाग का कामकाज देखेंगे। संजय प्रसाद को प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव सूचना दोनों की जिम्मेदारी एक साथ दे दी गई। यह वही पद है जो कभी अवनीश अवस्थी के पास एक साथ हुआ करता था, यानी 2017 से 2022 के दौरान जिस पद और जिस कद के साथ अवनीश अवस्थी योगी के सबसे ताकतवर नौकरशाह थे, अब वही पद और कद संजय प्रसाद का होगा। ब्यूरोक्रेसी में चर्चा है कि योगी ने अवनीश अवस्थी का विकल्प संजय के रूप में चुना है। लगभग 3 साल से संजय प्रसाद योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव होने के साथ साथ सीएमओ की जिम्मेदारी भी देख रहे थे। यही नहीं, वो सचिव सूचना के पद पर भी तैनात रहे। मुख्यमंत्री योगी के सबसे खासम खास अधिकारियों में शुमार संजय प्रसाद 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। संजय प्रसाद की एक सबसे बड़ी खासियत है, वो आंकड़ों में महारत रखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आंकड़ों के साथ अगर कोई कागज भेजना होता है तो संजय प्रसाद के जरिए ही जाता है, क्योंकि माना जाता है कि विभाग कोई भी हो, डाटा या आंकड़ा संजय प्रसाद से ही होकर गुजर कर आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आसपास अगर साय की तरह कोई एक अधिकारी मौजूद होता है तो उनका नाम है संजय प्रसाद। वो चाहे मुख्यमंत्री आवास हो या लोक भवन या मुख्यमंत्री का कार्यालय ही क्यों ना हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यात्राओं में भी संजय प्रसाद को साय की तरह चलते देखा जाता है। संजय प्रसाद चलते फिरते मुख्यमंत्री के दफ्तर के रूप में उनके साथ होते हैं। कोरोना के भयावह हालात के बीच संजय प्रसाद योगी आदित्यनाथ के सबसे करीब रहे, चाहे कोविड के दौरों में साथ रहना हो या सरकारी और राजनीति की यात्राएं हो। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के तौर पर संजय प्रसाद हमेशा नजर आते हैं। नवनीत सहगल को जब ACS सूचना बनाया गया था तब सचिव के तौर पर सूचना विभाग के मुख्यमंत्री के आंख कान वही थे। संजय प्रसाद अब तक मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के अलावा प्रोटोकॉल, सूचना और जनसंपर्क, गृह, गोपन, वीजा, पासपोर्ट, कारागार, सतर्कता, धर्मार्थ कार्य, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव का कार्यभार देख रहे थे। इसके अलावा यूपी डॉर उपशा के CEO और कारागार महानिदेशक का कार्यभार भी देख रहे थे। अब उन्हें गृह विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। वे मुख्यमंत्री और प्रोटोकॉल के प्रमुख सचिव का कार्यभार देखेंगे, साथ ही सूचना और जनसंपर्क, गोपन, वीजा, पासपोर्ट और सतर्कता विभाग के प्रमुख सचिव का कार्यभार भी उनके पास ही रहेगा। अब जब संजय प्रसाद को गृह और सूचना दोनों का प्रमुख सचिव बनाया गया है तो माना जा रहा है कि उन्हें भी अवनीश अवस्थी के तरह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताकत सौंपी है। संजय प्रसाद अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। वो हर दिन सुबह उठकर कई किलोमीटर तक चलते हैं और ये उनकी आदत में शुमार है। अपने तमाम व्यस्त कार्यक्रमों और शासन प्रशासन के कार्यों के बीच भी अपने फिटनेस के प्रोग्राम को कभी नहीं टालते, ये उन्होंने नियम बना रखा है। संजय प्रसाद सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं और समय समय पर खास मौकों पर अपनी तस्वीरें भी शेयर करते रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।